बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खेल का जुनून ट्रांसमिशन में आप सभी को मैं सलमान मिर्जा और मेरी साथी एंकर आमना खटाना आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैच देखा, मजा है। नीदरलैंड ने क्या अपसेट किया भाई। एग्जैक्टली, और मुझे लगता है बारिश के बाद कुछ ऐसा हुआ कि साउथ अफ्रीका अपसेट ही हो गया। और बारिश रात नहीं आई साउथ अफ्रीका। एग्जैक्टली, साउथ अफ्रीका जो जनाब वर्ल्ड कप में इतना अच्छा प्ले कर रही थी और पॉइंट टेबल पे हम देखें तो जनाब बहुत अच्छी उनकी पोजिशन थी, लेकिन साउथ अफ्रीका ने आज जिस तरह से प्ले किया उसने हम सबको शॉक कर दिया। साउथ अफ्रीका फेयरलेस खेल रही थी, एग्रेसिव क्रिकेट खेल रही थी, और आज नीदरलैंड ऐसा लगा कि भाई वो फेयरलेस क्रिकेट खेल रही है। और शुगर है हमारा मैच हो गया नीदरलैंड से, वरना हम परेशान हो जाते थे। अफगानिस्तान के चक्कर में परेशान है ना, क्योंकि अफगानिस्तान से खेलना, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दी है, ये दूसरा बड़ा अपसेट है। और वाकई में इसके बाद ना पॉइंट्स टेबल की जो सिचुएशन है वो बड़ी दिलचस्प हो गई और पाकिस्तान के लिए रसाई और ज्यादा मुश्किल बना दी है, अब जब अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। लेकिन खैर, ये मैचेस हैं, वर्ल्ड कप में कोई ना कोई इस तरह का अपसेट आमना होता है। एग्जैक्टली, और एक और चीज हम लोग आज देख रहे थे, मैं डिफरेंट कमेंटेटर्स को भी सुन रही थी, वो ये बात कर रहे थे कि जनाब जो कल का मैच है न्यूजीलैंड का, जो कि इस टाइम हम देख रहे हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रही है और उसके अगेंस्ट अफगानिस्तान की टीम होगी, तो कल भी कोई अपसेट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम अक्सर और बेशतर सरप्राइज दे देती है। कल न्यूजीलैंड हार गया ना, हमारा अल्लाह वाले। आप मायूसी की बातें सलमान ना करें। मायूसी की बात नहीं कर रहा, मैं मौजूदा सूरत हाल को, हमारी टीम की कारकर्दगी को देख के बात कर रहा हूँ। जिस ट्रैक पर हमें 350 रन बनाने चाहिए वहां पर हम 50 ओवर पूरे नहीं खेल रहे हैं, 40 ओवर खेल रहे हैं। जहाँ कारकर्दगी की बात कर रहे हैं वहां पे हमारी बैड लक जनाब एक ये भी चल रही है कि हमारे बहुत से खिलाड़ी जो है इस वक्त इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हुए हैं, और उसकी वजह से अल्लाह खैर ही करे, अल्लाह करे हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो मेन हमारे खिलाड़ी हैं, वो खास तौर पे बचे रहे और अगले मैच में अपेयर भी हों, क्योंकि कहा ये जा रहा है कि अब्दुल्ला शफीक और जो दीगर खिलाड़ी उसामा मीर का भी नाम आ रहा है उनमें, शाहीन शाफ़ी हो गए। वैसे आज ये खबर आई थी कि उसामा मीर को इंडिया के मैच में इसलिए नहीं किया गया था, वरना उनको खिलाना था। उसकी वजह ये थी कि वो बुखार में मुब्तला थे, इन्फेक्शन का शिकार। अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी, श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी, उनकी तबीयत खराब है, और उसके साथ साथ जमान खान जो है वो हमारे बॉलर हैं अच्छे, और श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग एशिया कप में की थी, वो भी इस वक्त इन्फेक्शन का शिकार हैं। बट आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे कि भाई वो जुम्मे तक, क्योंकि जुम्मे को हमारा मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और ये डिसाइड करेगा कि हमने वर्ल्ड कप में रहना है या हमें बस वर्ल्ड कप खेल के वापस आ जाना है, सेमीफाइनल तक नहीं जाना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।